हाय फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आईफोन 12 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग करूंगी और देखेंगे कि इसमें हमें कौन कौन से न्यू फीचर्स मिलते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के तीन सेक्शन होंगे फर्स्ट में हम अनबॉक्सिंग करेंगे सेकेंड में हम प्राइस डिस्कस करेंगे और थर्ड में हम कैमरा क्वालिटी चेक करेंगे तो चले इसे ओपन करते हैं बॉक्स अगर देखा जाए तो ये बाकी आईफोन के बॉक्सेस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बॉक्स है और ये वन ट्वेंटी का मोबाइल है स्टिकर को रिमूव कर लेते हैं कलर्स की इसकी काफ़ी रेंज थी ब्लू है ब्लैक गोल्डन सिल्वर तो मैंने यहाँ पे गोल्डन चूज़ किया है अब इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं ओके राइट आई एम सो एक्साइटेड इसको देखने के लिए तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं वाओ बहुत ही खूबसूरत मैट फिनिशिंग में हमें मिलता है आईफोन 12 प्रो मैक्स अब इसको फ्रंट से देख लेते हैं अभी तक के जितने भी आईफोन लॉन्च हुए हैं उनमें आईफोन 12 प्रो मैक्स का साइज़ सबसे बड़ा है गोल्ड फिनिशिंग के साथ है और फ्रंट पे वाइट कलर का पेपर अप्लाई है जिसके ऊपर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं इसके राइट right साइड पे आपको पावर बटन नज़र आएगा जिसको प्रेस करने पे मोबाइल ऑन होगा और ये चारों तरफ से स्टेनलेस स्टील के साथ कवर है और अगर इसकी बैक को देखा जाए तो यहाँ पे तीन कैमरास हैं जो कि 12 मेगापिक्सल के हैं साथ में एक सेंसर है और मैट फिनिशिंग सारामिक पैनल है इसका जो कि एक बहुत ही यूनिक लुक दे रहा है यहाँ पे इसकी साइड पे यहाँ पे वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने के लिए दो बटन्स हैं यहाँ पे सिम इंजेक्ट होती है नीचे यहाँ पे स्पीकर्स दिए हुए हैं दो और साथ में चार्जिंग की जगह बनी हुई है आईफोन्स के जितने भी मोबाइल हैं तकरीबन सेम एक जैसा ही ये फ़ीचर है मोबाइल ओपन करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके साथ हमें और क्या क्या बॉक्स में मिला है तो यहाँ पर चार्जिंग केबल है जिसके साथ डॉप्टर नहीं है वो आपको अलग से परचेज़ करना होगा हम इसको खोल के देख लेते हैं इसमें क्या मिलेगा तो इसमें सिम रिजेक्शन के लिए एक पिन दी हुई है साथ इन्होंने और एक स्टिकर है जो कि मैं अपने लैपटॉप पे लगाऊंगी एप्पल स्टिकर है ये और यही कुछ मिलता है हमें इस पूरे बॉक्स में इसलिए इन्होंने स्मार्ट कर दिया है क्योंकि इन्होंने चार्जर यहाँ से निकाल दिया है और साथ में हेडफोन्स जो है वो आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेंगे आईफोन की प्राइस जितनी हाई हो रही है उतनी ही चीज़ें बॉक्स में से कम करते जा रहे हैं थर्टीन और फोटीन में मे बी ये केबल भी ना मिले सो so, चलेट को ओपन कर लेते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है वैसे फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने में अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी मोबाइल को मैंने ऑफ कैमरा ही ऑन कर लिया था ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो ओके जी हमारी अनबॉक्सिंग का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है हम दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है प्राइस और प्राइस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पाकिस्तानी रुपीस और यूरो में प्राइस की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये पाकिस्तानी दो लाख पचासी हज़ार का है जबकि इंडिया में इसकी प्राइस वन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड है और यूरो में इसकी प्राइस तेरह सौ साठ यूरो है अब हम आ जाते हैं सेक्शन थ्री की तरफ तो यहाँ पे कैमरा क्वालिटी चेक होगी तो इसके लिए मैं बाहर जा के आप लोगों को कैमरा क्वालिटी चेक करवाऊँगी ये वीडियो क्लिप मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आईफोन 12 प्रो मैक्स से ये बैक कैमरा रिजल्ट है 12 मेगापिक्सल आपको बैक पे मिलेगा और फ्रंट पे भी आपको 12 मेगापिक्सल मिलेगा फ्रंट पे भी फोर के वीडियो शूट कर सकते हैं अभी मैं आपको इसी मोबाइल से स्लोमो भी दिखाऊंगी ये रहा जी इसका स्लोमो क्लिप और अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं तो ये वाला मोबाइल आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगा मैंने इस मोबाइल से पिक्चर्स भी ली हैं पोर्ट्रेट मोड में भी ली हैं नॉर्मल भी ली हैं तो चलिए उसको भी देख लेते हैं ये पिक्चर मैंने बैक कैमरा से ली है और ये जो छोटी पिक्चर आप देख रहे हैं ये आई फोन एक्स एक्स मैक्स से ली है तो ये उन्नीस बीस का ही फ़र्क है इसमें ज़्यादा फिनिशिंग है आईफोन ट्वेल्व प्रो मैक्स में ये रहा जी इसका जो मुझे इस मोबाइल मोबाइल में से 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 सबसे ज्यादा अच्छा लगा है 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 अगर आप हैं तो ये ये आपके लिए वर्क करने वाला है। ये इतने अच्छे अच्छे काम करता है, को अच्छे से ब्लर करता को इसकी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल डी और कैमरा जितनी है तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड सेक्शन भी कम्पलीट होता है अब मैं लूंगी इजाजत किसी अच्छी वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह